आईबी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सीतापुर में जहां एक तरफ पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में जो बदमाशों और गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सत्ता पक्ष के गुंडों माफियाओं द्वारा समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। पूर्व राज्य मंत्री ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि यूपी की सीतापुर समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद मंत्री रामपाल राजवंशी पर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां राज्य मंत्री अपने पैतृक गांव से वापस सीतापुर के लिए आ रहे थे। रास्ते में मछरेहटा बस अड्डे के पास कुछ गुंडों ने मंत्री की गाड़ी को रोका और उन पर जानलेवा हमला किया। मंत्री के कार्यकर्ताओं को देखते ही हमलावर मौके से हवाई फायर करके फरार हो गए। आज पूर्व राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंचकर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की शिकायत की। वह अन्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सीओमी श्री को आदेशित करते हुए जांच कर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। यह हार्ड क्रिमिनल है, जिसकी पूरे जनपद में और जनपद नहीं आसपास के जनपदों में भी आम शोहरत है कि ये बहुत हार्ड क्रिमिनल है। इसके ऊपर 15-20 मुकदमा से कुछ जान से मार देने की धमकी, पूरी तरीके से जान से मार देने की नियत से ही तो सलाह लगाया था। यदि हमारे लोग ना होते तमाम लोग ना आ जाते तो कल हमारी जान का पूरी तरीके से हमारे हत्या कर दी। ये कौन लोग हैं, किसी पार्टी से रिलेटेड? ये इनका संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये चाहते हमारे रास्ते से हटा दें, जो हमेशा हमेशा को हमारा कांटा साफ हो जाए। और यहाँ के जो हमारे यहाँ के तमाम ऐसे हैं जो अराजक तत्व हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, वो हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती है और जिससे कि पूरी तरीके से ये रास्ता साफ हो जाए। ये सपा के पूर्व मंत्री है रामपाल राजवंशी, इनके द्वारा कल एक सूचना दी गई कि एक अपराधी के द्वारा उनके सामने जो है हवाई फायर वगैरह किया गया। कल उन्होंने कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं दी थी, आज उनके द्वारा एक रिटर्न कंप्लेन दी है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके जो है इसकी जांच सीओ मिश्रिक को दी जा रही है। सीओ मिश्रिक इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनको निर्देशित भी किया गया है।